first and the subject code is BP404T. T indicate करता है theory में और अगर किसी subject में P आता है वो indicate करता है practical को. तो unit first से start करते हैं जिसमें हम discuss करेंगे general introduction. सबसे पहले है कि pharmacology होती क्या है. Pharmacology is the science of drug. साइंस ऑफ ड्रग यानी कि हम इसमें बोल सकते हैं कि इसमें हम किसी पर्टिकुलर ड्रग की कंप्लीट स्टडी करते हैं. क्या है ये है हमारी साइंस ऑफ ड्रग जिसमें हम ड्रग की पर्टिकुलर ड्रग की कंप्लीट स्टडी करते हैं जिसमें आपका आता है मोड ऑफ एक्शन या हम इसको बोल सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. इट मीन्स कोई ड्रग हमने ली वो हमारी बॉडी में जाके कैसे अपना एक्शन परफॉर्म करती है वो आता है उसका मोड ऑफ एक्शन में या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में. सेकंड हम इसमें देखते हैं साइड इफेक्ट्स और एडवर्स इफेक्ट. साइड इफेक्ट्स और एडवर्स इफेक्ट में मेन डिफरेंस ये होता है कि जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होते हैं लेकिन अगर हम दूसरी साइड देखेंगे जो एडवर्स इफेक्ट होते हैं वो बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं. तो ओवरऑल फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है. इट इज द साइंस ऑफ ड्रग या इट इज द कंप्लीट स्टडी ऑफ ड्रग यानी कि वो जिसमें हम एक ड्रग की या बहुत सारी ड्रग्स की कंप्लीट स्टडी करते हैं वो हमारा कहलाता है फार्माकोलॉजी. अब इसमें आता है कि फादर ऑफ फार्माकोलॉजी is Oswald Skimble. Father of pharmacology कौन थे? Oswald Skimble. अब है कि फार्माकोलॉजी है इसमें क्या क्या आता है. तो जो फार्माकोलॉजी है वो टू पार्ट्स में डिवाइड होती है फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स. सबसे पहले इसमें आता है फार्मा को काइनेटिक्स एंड सेकेंड वन इज द फार्मा को डायनेमिक्स. अब इन दोनों टर्म्स को याद करने का सबसे इजी है कि आप इसमें देखो इसमें आ रहा है डी. डी हम याद करने के बेसिस पे ले सकते हैं यानी कि डी यहां पे क्या इंडिकेट कर रहा है ड्रग. तो फार्माकोकाइनेटिक्स होता है आपका व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग. और डायनेमिक्स जस्ट अपोजिट व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी. डी है यानी कि याद करने के बेसिस पे हम इसको ले सकते हैं ड्रग. तो फार्माकोकाइनेटिक्स आपका क्या है व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग यानी कि जब कोई ड्रग बॉडी के अंदर गई तो बॉडी ने उसमें क्या किया. इसमें हमारे प्रोसेस होता है ए डी एम ई. ए हमारा इंडिकेट करता है एब्जॉर्प्शन. डी होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन. एम होता है मेटाबॉलिज्म और ई होता है एक्सक्रीशन. ये एक नॉर्मल प्रोसेस है कोई भी ड्रग है सबसे पहले जब आप उसे लोगे तो वो बॉडी में जाके एब्जॉर्ब होगी उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट होगी छोटे छोटे पार्टिकल्स पे देन मेटाबॉलिज्म होगा. डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए होता है कि कोई भी ड्रग है उसका इजिली मेटाबोलाइज वो हो पाए. मेटाबॉलिज्म को हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं. और लास्ट में होता है एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन का मीन्स होता है बॉडी से जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको एक्सक्रीट आउट करना. अब एक्सक्रीशन यूरिन के थ्रू भी हो सकता है और फीसिस के थ्रू भी हो सकता है. अदरवाइज किसके थ्रू भी हो सकता है वो स्वेट ग्लैंड्स यानी कि जो पसीना सिक्रीट होता है. ये था हमारा एटीआईबी. अब आता है डायनेमिक्स व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी. ड्रग क्या करेगी जो भी ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा. जो भी ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा या जो भी ड्रग का बायोकेमिकल एक्शन होगा वो आपका सब किस में आता है फार्माकोडायनेमिक्स में. तो ये है फार्माकोलॉजी का इंट्रोडक्शन. फार्माकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ड्रग इन विच वी स्टडी द ड्रग मोड ऑफ एक्शन एडवर्स इफेक्ट साइड इफेक्ट्स एटसेट्रा.
फादर ऑफ फार्माकोलॉजी इज ओस्वाल्ड स्किम्बर्ग. देन फार्माकोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स. फार्माकोडायनेमिक्स इज वॉट द ड्रग डज टू द बॉडी, मीन्स द मैकेनिज्म ऑफ ड्रग ऑफ एक्शन. एंड काइनेटिक्स इज वॉट द बॉडी डज टू द ड्रग, इन विच इट इन्वॉल्व द फोर प्रोसेसेस ए डी एम ई. ए इंडिकेट एब्जॉर्प्शन, डी डिस्ट्रीब्यूशन, एम मेटाबोलिज्म एंड ई एक्सक्रीशन. तो ये था जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी. अब डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स आती हैं, जैसे एक टर्म है हमारी ड्रग. अगर कोई हमसे पूछे ड्रग क्या है, ड्रग क्या होती है, जिसके अंदर कोई एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है. दो टर्म्स होती हैं, प्रोड्रग एंड ड्रग. प्रोड्रग क्या है, जिसके अंदर एक्टिव मेटाबोलाइट्स या एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट नहीं है. ड्रग क्या है, जिसके अंदर एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है. तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, इट इज अ सिंगल एंटिटी केमिकल विच हेल्प इन द ड्रग विच हेल्प इन द डिजीज प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट. यानी कि ड्रग क्या है, जिसके अंदर एक्टिव मेटाबोलाइट्स हैं और वो किसी भी डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए और उसको ट्रीटमेंट और क्योर करने में हेल्प होती है. ये होता है ड्रग. अब एक हमारी टर्म्स आती है फार्माकोथेराप्यूटिक्स. फार्माकोथेराप्यूटिक्स क्या होता है, फार्माकोथेराप्यूटिक्स भी हमारा फार्माकोलॉजी में ही होता है, यानी कि ये रिलेट करता है फार्माकोलॉजी से, जिसमें हमारा क्या है, इसको आप बोल सकते हैं इट इज द एप्लीकेशन ऑफ फार्माकोलॉजी इंफॉर्मेशन जो कंबाइन करती है विद द ट्रीटमेंट प्रिवेंशन एंड क्योर. यानी कि फार्माकोलॉजी के साथ भी कंबाइन कर रही है और किसी भी डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए और उसके प्रिवेंशन के लिए. सेकेंड आपका आता है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी. क्लिनिकल फार्माकोलॉजी का एम होता है कि किसी भी डिजीज को क्या करना, प्रिवेंट करना. इसमें क्या होता है, दोनों प्रोसेसेस होते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स. इसमें रिसर्च होती है या आप बोल सकते हो कि ट्रायल्स होते हैं ऑन द ह्यूमन वॉलंटियर्स एंड ऑन एनिमल्स. ठीक है, यानी हमने सबसे पहले एक टर्म पढ़ी जो हमारी क्या थी, फार्माकोथेराप्यूटिक्स. सेकेंड हमने टर्म पढ़ी क्लिनिकल फार्माकोलॉजी. अब नेक्स्ट एक टर्म है कीमोथेरेपी. कीमोथेरेपी हम सब जानते हैं, कीमोथेरेपी कब होती है, कैंसर. कैंसर में क्या होता है कि जो सेल की ग्रोथ होती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है. तो कीमोथेरेपी क्या करती है कि जो ज्यादा सेल की ग्रोथ होती है उसको किल करती है और जो हमारी होस्ट सेल है यानी कि जो मेन सेल है उस पर उसका कोई भी इफेक्ट नहीं आता है. ये होता है हमारा कीमोथेरेपी. लास्ट एक टर्म आती है टॉक्सिकोलॉजी. टॉक्सिकोलॉजी का मीन्स होता है स्टडी ऑफ पॉइजनस सब्सटेंसेस और स्टडी ऑफ पॉइजनस ड्रग. यानी कि कोई भी ड्रग जो पॉइजनस है उसकी स्टडी करना आपका क्या कहलाता है, टॉक्सिकोलॉजी. एक चीज हमें और ध्यान रखनी है, जिस भी टर्म के लास्ट में लॉजी आता है, लॉजी इट मीन्स स्टडी. लॉजी जो इंडिकेट करता है, आप इसको क्या बोल सकते हो, स्टडी. यानी कि फार्मा ड्रग एंड लॉजी इज द स्टडी. तो ये आपका क्या हो गया, स्टडी ऑफ द ड्रग. अब जैसे टॉक्सिकोलॉजी है, टॉक्सिक यानी पॉइजन, लॉजी मीन्स स्टडी यानी कि स्टडी ऑफ द पॉइजनस ड्रग. तो ये था हमारा जनरल फार्माकोलॉजी, जिसमें हमने फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन देखी, फादर ऑफ फार्माकोलॉजी, फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनेमिक्स, ड्रग की डेफिनेशन, देन फार्माकोथेराप्यूटिक्स, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, कीमोथेरेपी एंड लास्ट वन इज द टॉक्सिकोलॉजी. अब इन द नेक्स्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द फार्माकोलॉजी. थैंक यू.